भी छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या कहलाता है, इसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यावसायिक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, क्रेता और एक विक्रेता। सामान्य तौर पर हम विक्रेता से प्रत्यक्ष रूप से जाकर वस्तु को खरीदते हैं। वस्तु को खरीदने के पहले हम जो उसके पास जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं उन सब सारी वस्तुओं में से उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शॉप में या दुकान में जाकर देखते हैं, उसके बाद हम उसको परचेस करते हैं, खरीदते हैं। तो ये कहला गया प्रत्यक्ष रूप से क्रय विक्रय। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता जो हैं दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं और यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों के बीच में लेन देन होता है। जब से आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विकास हुआ तब से नेट इंटरनेट पर जो है हम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी और बिक्री करने लगे। अर्थात यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों अप्रत्यक्ष रूप से क्रय विक्रय की प्रक्रिया को अपनाने लगे। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जब दोनों को अपने क्रय विक्रय की प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो इसके बीच में जो है इलेक्ट्रॉनिक साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से विभिन्न शॉप में किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसको आदेश देते हैं, उसके पूर्व हम विभिन्न प्रकार से जो उसने नेट इंटरनेट पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी डाल रखी है उन सब के बारे में हम पहले उसको सर्च करते हैं, उसके बाद संतुष्ट होने के पश्चात उसको हम ई ऑर्डर करते हैं। तो ये ई ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उसको वस्तु को हमारे पास पहुंचाने तक के लिए व्यवस्था करना। अब इसकी दूसरी बात जो आती है, दूसरा पक्ष, भुगतान का। तो भुगतान भी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से जो है हम उसको भुगतान कर देते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, विशेष रूप से इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय जो है वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स का जो आशय है, व्यावसायिक लेन देन या सूचना आदान प्रदान का कोई भी बहरूप जिसमें सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग होता है, इस प्रकार ई कॉमर्स के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स का जो आशय है, कोई भी व्यावसायिक लेन देन या सूचना जो हमें आदान प्रदान करने के लिए जिसमें हम सूचना एवं संचार तकनीकों का उपयोग करते हैं वो कहलाता है ई कॉमर्स। ये कहलाता है ई कॉमर्स। इस प्रकार जो ई कॉमर्स के लिए तीन बिंदुओं का, तीन बातों का होना जरूरी है। नंबर एक, तो सबसे पहले आर्थिक क्रिया संपन्न होना चाहिए ई कॉमर्स के लिए। जिस प्रकार से व्यवसायिक गतिविधि वही कहलाती है जिस व्यवसायिक गतिविधि में आर्थिक क्रिया होती है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ई कॉमर्स में आर्थिक क्रिया होना चाहिए, अर्थात वस्तु का क्रय और विक्रय होना चाहिए। माध्यम से परस्पर संबंध होना चाहिए, अर्थात क्रेता और विक्रेता दोनों इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से परस्पर आपस में जुड़े हों। तीसरा जो है परस्पर संबंध व्यावसायिक संगठन की सीमाओं के से बाहर होना चाहिए। जो भी कांटेक्ट होता है, संबंध होता है, वो दूरी से होता है, व्यवसाय संगठन की सीमाओं से बाहर होना चाहिए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। इसके बाद जो इसके प्रकार है एवं क्षेत्र, ई कॉमर्स के जो प्रकार कहलाते हैं वो सबसे पहला जो है व्यवसाय से ग्राहक, इसको हम बोलते हैं B2C, बिजनेस से कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, B2C कहा जाता है इसे। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ग्राहकों को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए इंटरनेट पर समस्त जानकारियां उपलब्ध कराता है। हम अपने नेट इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर, मोबाइल पर जो है विभिन्न व्यवसायों के एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन आदि देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी वस्तुएं जो बाजार में बेचना चाहते हैं उसकी समस्त जानकारी जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त
हो जाए, अर्थात यहां व्यवसाय जो है वो ग्राहक से संपर्क करता है, तो ये कहलाता है बी टू सी, व्यवसाय से ग्राहक। दूसरा जो है व्यवसाय से व्यवसाय अर्थात बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ये यहां जो है क्रेता और विक्रेता दोनों व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं, यहां जो है क्रेता और विक्रेता दोनों व्यवसायिक संस्थाएं होती है। उदाहरण के लिए हम जैसे मान लें कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, या उत्पादनकर्ता और थोक व्यापारी, या उत्पादनकर्ता और फुटकर व्यापारी। तो यहां पर या बात करें यदि हम, तो उत्पादक हो गया, थोक विक्रेता हो गया, फुटकर विक्रेता हो गया, एजेंसियां वगैरह हो गई, ये सारे सब कुछ कौन सी संस्थाएं, व्यवसायिक संस्थाएं। तो यहां जो है व्यवसाय से व्यवसाय के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक क्रेता उन्मुख अर्थात जो उत्पादन करता है या जो वस्तु को बेचना चाहता है, वो खरीदने वाले जो हैं वो किस प्रकार की वस्तुओं को चाहते हैं उनके अनुरूप वो उत्पादन करते हैं, तो ये क्रेता उन्मुख है। दूसरा जो है विक्रेता उन्मुख, यहाँ पर विक्रेता के द्वारा जो उत्पादन कर दिया गया है, क्रेता उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है। और तीसरा जो है बाजार उन्मुख अर्थात बाजार में जो भी उत्पादन पहुँच गया है उसको जो है व्यवसायिक संस्था के अंतर्गत यहाँ पर जो है विक्रेता जो है वो उसको क्रेता के माध्यम से क्रेता खरीदता है। यहाँ पर जो है क्रय जो है ई डाटा इंटरचेंज द्वारा किया जाता है, क्रय विक्रय की जो भी प्रक्रिया है यहाँ पर ई डाटा इंटरचेंज के माध्यम से की जाती है, अर्थात यहाँ पर आदेश और जानकारी जो है ई कॉमर्स के द्वारा उनको प्राप्त होती है। तो ये दूसरा हो गया बी टू बी, बी टू सी, तो यहाँ अलग से लिख दूँ बी टू बी, ये बी टू सी और ये बी टू बी, ये कहलाता है सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। इस दशा में क्रेता और विक्रेता जो है दोनों ग्राहक होते हैं, इसमें ग्राहक अपनी वस्तुओं को बेचने वाली वस्तु या सेवा की जानकारी क्रेता ग्राहक को जानकारी प्रदान कर संपर्क करके बेचता है। वर्तमान में जैसे हम OLX वगैरह देखते हैं, यहाँ पर जो है एक ग्राहक जो है वो दूसरे ग्राहक को अपनी वस्तु बेचता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, या हम जो अपनी वस्तु किसी और को बेचना चाहते हैं और किसी से हमने वो खरीदी थी, तो यहाँ ग्राहक से ग्राहक सी टू सी, ये कहलाता है ग्राहक से ग्राहक। यहाँ पर जो है ग्राहक अपनी वस्तु को बेचने वाली वस्तु या सेवा की जानकारी जो है क्रेता ग्राहक को जानकारी प्रदान करके उससे संपर्क करता है और उसको फिर बेचता है। फिर चौथा है ग्राहक से व्यवसाय, ये कहलाता है सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस। वर्तमान में जो है ये व्यवसाय का नया रूप है, इसमें ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को व्यवसाय को बताता है, अर्थात ग्राहक किस प्रकार की अपनी आवश्यकता की वस्तुएं चाहता है वो व्यवसाय करने वालों को उसकी जानकारी देता है। यहाँ पर जो है ग्राहक की इच्छा अनुसार उत्पादन में बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है विक्रेता उसको उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ग्राहक की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्राहक की आवश्यकता क्या है, ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर जो है व्यवसाय द्वारा उसकी वस्तु को रूपांतरित कर उसको उपलब्ध कराया जाता है, तो ये कहलाता है सी टू बी। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स के जो प्रकार हैं या क्षेत्र हैं ये चार प्रकार के हैं, बी टू सी ग्राहक व्यवसाय से ग्राहक, दूसरा है बी टू बी व्यवसाय से व्यवसाय, तीसरा है ग्राहक से ग्राहक सी टू सी, और चौथा जो है ग्राहक से व्यवसाय सी टू बी। इसके बाद इसके लाभ या महत्व हम देखते हैं, नंबर एक विश्व बाजार के रूप में उपभोक्ता विश्व के बाजार में अपनी वस्तु खोज कर सकता है और तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पर जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है या हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो पहले हम उसको सर्च करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो वस्तुएं उपलब्ध हैं और किस किस रेट में उसका उसकी तुलना करते हैं, और तुलना करने के पश्चात जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस स्थान से ये वस्तु लेने पर हमें बेहतर लाभ होगा तो हम उसको वो ऑर्डर कर देते हैं, तो ये विश्व बाजार के रूप में। दूसरा जो है तीव्र हस्तांतरण, यहाँ जो है हम
कम समय में समय की बचत हो जाती, घर बैठे जो है हम वस्तु का चुनाव जो है इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं और ई ऑर्डर करके वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे हम कौन सी वस्तु हमें चाहिए उसको हम सर्च करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और जो हमें उचित रेट पर उचित क्वालिटी की वस्तु जहाँ से मिलती है हम उसको शीघ्र ऑर्डर कर देते हैं और वो हमें बहुत ही कम समय में जो है वो वस्तु शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। फिर आगमों में वृद्धि, ई कॉमर्स में एक कंपनी नए अवसरों के द्वारा विश्व बाजार में विस्तार करके अपने आगमों को बढ़ा सकती है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से जो है कंपनी अपनी रेपुटेशन अपनी प्रतिष्ठा जो है बाजार में शीघ्रता से बढ़ा लेती है और अपने व्यवसाय का विस्तार करती है और अपने आगमों को बढ़ा लेती है। फिर मानव शक्ति की कम आवश्यकता, यहाँ पर शॉप खोल के दुकान में बहुत सारे कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु का लेन देन जो है कंप्यूटर के माध्यम से होने के कारण जो है वितरण आदि में आने वाली लागत जो है वो कम हो जाती है। वितरण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के बीच जो भी कार्य करने होते हैं वो वितरण के अंतर्गत आते हैं। तो मानव शक्ति की कम आवश्यकता होती है, फिर उत्पादकता में वृद्धि, ई कॉमर्स द्वारा व्यावसायिक संगठन उत्पादन के साधनों को न्यूनतम लागतों पर प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम जो है सुरक्षा, ई कॉमर्स में क्रेता और विक्रेता के मध्यस्थों की संख्या कम होती है। कंप्यूटर पर क्रेता विक्रेता सीधे संपर्क में आते हैं और पासवर्ड का प्रयोग करके उनके मध्य लेन देन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो ये जो है ई कॉमर्स के लाभ या उसके महत्व या उसकी उपयोगिता है। अब हमें ई कॉमर्स की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास ये साधन नहीं होंगे तो हम ई कॉमर्स की प्रक्रिया को नहीं अपना पाएंगे। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है कंप्यूटर। कॉमर्स की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। ई माध्यम से क्रय विक्रय हेतु कंप्यूटर प्रणाली का होना आवश्यक है व इंटरनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। दूसरा जो है तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी, यहाँ पर जो है नेट इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स के माध्यम से क्रय विक्रय होता है तो यहाँ पर जो टेक्निकल कर्मचारी हैं स्टाफ है वो टेक्निकली रूप से क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसमें जो है विक्रय संबंधी जानकारी दे सके, वो विक्रय आदेश प्राप्त कर सके, माल की सुपुर्दगी की व्यवस्था उचित रूप से करने के लिए कुशल तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारियों का होना आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसकी स्पीड बेहतर होना चाहिए। तो ई कॉमर्स के लिए किसी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी का कनेक्शन होना आवश्यक है और उसकी गति उचित हो, सही हो, साथ ही रेगुलर नियमित रूप से वो जो है उसका इंटरनेट प्राप्त होता रहे। फिर है व्यापक वेबसाइट, व्यवसायिक इकाई द्वारा जो है प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए एक व्यापक एवं भलीभांति वेबसाइट का विकास करना चाहिए जिसमें सूचना चित्र जानकारी आदि स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात कंपनी की अपनी जो वेबसाइट है जिस पर उसकी संपूर्ण कंपनी से जुड़ी हुई समस्त उत्पादन से लेकर उसकी स्थापना उसकी कंपनी की पूंजी समस्त प्रकार की जो भी जानकारी है वो उसकी वेबसाइट में उपलब्ध होना चाहिए और जो भी वो स्पष्ट चित्र वगैरह या कोई विशेष सूचना या कोई विशेष जानकारी जो है सब क्लियर और स्पष्ट रूप से उसकी वेबसाइट में होना चाहिए ताकि हम उसकी साइट पर जाकर जो है समस्त प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त करके संतुष्ट हो सकें। फिर भुगतान प्रणाली, ई कॉमर्स में भुगतान को सुगम बनाने के लिए जो है बैंक एवं अन्य वैधानिक साख पत्र एजेंसियों से व्यवस्था जो है उचित होनी चाहिए। यहाँ पर जो है भुगतान महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो भुगतान भी हमें उसका करना होता है। तो यहाँ पर जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए हमें बैंक और वैधानिक साख पत्र एजेंसियों से जो व्यवस्था है वो उचित होना चाहिए। तो ये जो है ई कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक संसाधन। अब यहाँ पर व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा, यहाँ हम देखते हैं कि ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है अक्सर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे जो है व्यक्ति जो है ई कॉमर्स के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने और बेचने में डरता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जो
असुरक्षा की बिंदु हैं जो सामने आते हैं, वो हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में क्रय विक्रय व भुगतान जो ई माध्यम से होने के कारण सुरक्षित माना जाता है, परंतु तकनीकी एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रयोग करके इसमें अनेक असुरक्षाओं एवं अपराधों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य चीज है जैसे नंबर एक है ब्रांड का अपहरण। यहां पर जो है ई साधन से कंपनियां बाजार में शीघ्र अपने नए ब्रांड की स्थापना कर सकते हैं, जिससे स्थापित लोकप्रिय कंपनियों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः जरूरी है कि वे अपने ब्रांड को साइबर स्पेस में अतिशीघ्र स्थापित करें। ब्रांड क्या है? कंपनी का अपना एक पहचान, एक आइडेंटिटी, जिसके नाम से उसके वस्तु के जो भी उत्पादन साधन है उनको पहचाना जाता है। तो वर्तमान में जो है बहुत सारी नई नई कंपनियां जो आ रही हैं वो बाजार में अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए ब्रांड की नकल करती हैं या उनसे मिला जुला कोई नाम रखती हैं। इनसे हानि होती है जो पूर्व में स्थापित लोकप्रिय कंपनियां हैं, जो कि जिनके ब्रांड बेहतर ढंग से बाजार में चल रहे हैं, तो उन कंपनियों को यहाँ पर हानि होती है। अतः जरूरी है कि यहाँ पर जो पुरानी या पहले से जो स्थापित लोकप्रिय कंपनियां हैं जिनके अपने स्थापित ब्रांड हैं, उन ब्रांडों को वो अपने साइबर स्पेस से जो है क्या करा लें। दूसरी प्रक्रिया आती है हैकिंग की। हैकिंग हैकिंग क्या है? आमतौर पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का हैक होना, अर्थात ऐसे वायरस को उसमें प्रवेश करा देना जिससे कि जो है आंकड़े एवं सूचनाओं का जो दुरुपयोग कर सकता है, अर्थात उसको चुरा लेना, किसी की साइड में प्रवेश करके जो है उसकी सूचना उसकी जानकारी को ट्रिक कर देना। तो यहाँ पर जो है प्रवेश करके आंकड़ों व सूचनाओं का दुरुपयोग करना जिससे व्यवसाय को हानि होती है, ये एक अपराध है। इसके लिए जो है सरकार के द्वारा साइबर क्राइम सेल स्थापित किया गया है, जहाँ पर कि इस प्रकार के ई व्यवसाय से जुड़े हुए संबंधों में जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा बिंदु आता है वायरस। ये एक प्रकार के आदेश की श्रृंखला होती है जो किसी पद्धति में ईमेल, डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी या वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश कराते हैं, और ये क्या करता है? कंप्यूटर में सुरक्षित सूचनाओं को नष्ट कर देता है, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसका पूरा नाम जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सोर्स, ये इसका नाम है वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सोज। इस वायरस से जो है व्यवसाय का जो कार्य जो है वो क्या होता है? रुक जाता है। तो ये तीन प्रकार के जो बिंदु हैं ये व्यवसायिक सौदों के संदर्भ में इनसे सुरक्षा करनी होती है, जिसमें ब्रांड का अपहरण हो गया, हैकिंग हो गया और वायरस। अब इसके बाद इन समस्याओं से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सबसे पहले क्या है? तर्कसंगत प्रवेश। किसी भी साइड में यदि हमें जाना है तो जो उसकी उचित रूप से जो विधि है, जो उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है, उस चैनल के अनुसार ही जो है हमें उस साइड में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार से यदि हम एटीएम जाते हैं तो उसमें जो भी विधि क्रमशः दी होती है हम उसको क्रमशः फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, पूरा करते चले जाते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी कार्रवाई वो उससे पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी साइट में प्रवेश जो है उचित रूप से होना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ता जो है पासवर्ड पिन का प्रयोग जो है सावधानी पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए। तो पहली बिंदु हो गया जो तर्कसंगत प्रवेश, अर्थात किसी साइड में जब हम एंटर होते हैं प्रवेश करते हैं तो जो उसकी प्रॉपर विधि है उसके अनुसार चलना चाहिए। दूसरा जो है आंकड़ों की सुरक्षा, इसमें सुरक्षा हेतु निम्न उपाय अपनाए गए हैं। एक जो है एनक्रिप्शन, इसमें दी गई सूचना कोड वर्ड में परिवर्तित हो जाती है व संदेश ग्राहक पर पुनः परिवर्तित होकर पहुंच जाती है। जो भी सूचना या जानकारी हमें भेजना होती है वो सूचना या जानकारी जो है कोड वर्ड में होती है, और वही जब सामने वाला उसको खोलता है तो वो कोड वर्ड जो है उस सूचना में कन्वर्ट हो जाता, परिवर्तित हो जाता है, तो ये एनक्रिप्शन। दूसरा जो है डिजिटल हस्ताक्षर, इसको भी हमने वर्तमान समय में जानते कि इसमें संदेश भेजने वाले की एक पहचान होती है, संदेश की सत्यता होती है, जिसमें संदेश देने वाला झुठला नहीं सकता। ये खासतौर पर मौद्रिक भुगतान में यूनिक आईडी के रूप में प्रयोग किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर जिसको डिजिटल सिग्नेचर हम बोलते हैं। फिर डिजिटल प्रमाण पत्र, ये एक ई पहचान पत्र होता है जिसमें हमारी समस्त प्रकार की आइडेंटिटी होती है, समस्त जानकारी होती है। इसके बाद है फायरवॉल, इसके अंतर्गत जो है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की
तकनीकी ऐसे बिंदु पर बनाई जाती जहां नेटवर्क कनेक्शन ऐसी साइट पर खुलेगा जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। यहां पर जो है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की तकनीक ऐसे बिंदु पर बनाई जाती है, वो फायरवॉल कहलाती है, जो कि उसी साइट पर खुलेगी जो कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो है व्यावसायिक सौदे की सुरक्षा के उपाय हैं। इसके बाद है सौदों की विश्वसनीयता। यहाँ पर जो है ई कॉमर्स में सौदों का लेन देन जो है अदृश्य रूप से होता है, अतः ऐसी प्रक्रिया चक्र को अपनाया जाए कि सौदों को उपभोक्ता संपर्क से लेकर वस्तु बिक्री तक चाहे जब जांचा परखा या ज्ञात किया जा सकता है, पूर्व सौदों की जानकारी कर ली जाए। तो सौदों की विश्वसनीयता को जांचने के लिए जो है हम उसके द्वारा पूर्व के द्वारा जिन्होंने सौदा किया हुआ है उनकी जाँच परख कर लें, जानकारी ले लें, उसके बाद ही हम सौदा यहाँ पर पक्का करें। फिर है सुरक्षा नीति। अगला बिंदु जो सुरक्षा नीति, इसमें विश्व में BS7799 मानक का उपयोग जो है श्रेष्ठ है। यह एक ऐसा मानक है जो सूचना प्रबंध प्रणाली की आवश्यकता को निर्धारित करता है और यह सूचना से संबंधित नियमित रूप से कई खतरों को पहचानने, उनसे निपटने और उन्हें कम करने में मदद करता है। यह सुरक्षा नीति के अंतर्गत BS7799 मानक की स्थापना की गई है और इसके पश्चात अधिनियम व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा के लिए सरकारों को कड़े नियम एवं कानून बनाने हैं। जो सुरक्षा को तोड़ते हैं उन्हें सजा एवं जुर्माने का दंड मिलना चाहिए। इसकी दशा में जो है सूचना तकनीक अधिनियम जो है 2000 सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के नियम कानून को तोड़ने के लिए जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर अधिनियम तैयार किया गया है। यहाँ पर इससे जुड़े कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। ई कॉमर्स का अर्थ और उसके प्रकारों को समझाइए। ई कॉमर्स के लाभ या महत्व को लिखिए। तीसरा, ई कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक साधन या संसाधन कौन कौन से, उन्हें समझाइए। फिर व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा से क्या आशा है। फिर ब्रांड का अपहरण, हैकिंग, वायरस से क्या आशा है समझाइए, और व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा के उपायों को समझाइए।